मूड में है, क्या करने आ रहे हैं? बाबा जी आपको कैसे, बाबा जी आपको खुद ही नहीं पता अपना कहाँ जा रहे हैं। ये मैं बुड्ढा हो गया ना, 100 साल का हो गया। 50 साल वाले को बुड्ढा नहीं कहना है, 50 साल वाले यंग होते हैं। ये हम जी बड़वाई आ गए हैं, इससे पहले हम बटाकुंडी थे। नारान से तकरीबन 20 किलोमीटर की ड्राइव है और आधा घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। हैं, तू तो मेरे साथ बैठा हुआ था, यहाँ कैसे आ गया? बहुत ही खूबसूरत स्नो पीक और ये खूबसूरत पानी पूरा रास्ता साथ साथ होता है। और ये जो जगह है, थोड़ा सा ही बड़वाई से बाहर निकल के बेस्ट जगह है कैंपिंग के लिए, क्योंकि साथ पानी भी अवेलेबल है, आपने बर्तन धोने हैं, नहाना है, मुंह हाथ धोना है। तो फिर आ गया ये फ्रिज, आ गया ग्लेशियर में कुदरती फ्रिज। सर्विस स्टेशन आ गए हम, कहाँ गया मैं कहानियों में घूमता, ये रास्ता जल्द सा मंजिल है ये सपना, ओ, 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 ओ ये सफर इयाज के साथ। जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम अलैकुम बरकातहू। बाबा जी बड़े, आप तो पूरा सलाम करते हैं। बाबा जी आप कहाँ पे हैं इस वक्त? मैं नारायण में, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, बोट में है, क्या करने जा रहा हूँ। बाबा जी आपको कैसे, बाबा जी आपको खुद ही नहीं पता अपना कहाँ जा रहे हैं। ये मैं बुड्ढा हो गया ना, 100 साल का हो गया। 50 साल वाले को बुड्ढा नहीं कहना है, 50 साल वाले यंग होते हैं। ये मुझे देख लो। अच्छा मुझे बताओ बाबा जी कि अब आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पे बोट चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोट्स यानी कि राफ्टिंग करने जाना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, जाएगा जाएगा। ओ बाबा जी ये देखें, स्नोमैन आ गए, स्नो बियर। वाह, ओए स्नोमैन, स्नोमैन स्नो बियर। ये बाबा जी ग्लेशियर्स आपको मुझे लगता है बहुत पसंद है, आप जी, जी। आप कल कह रहे थे, तो इस बारे में कुछ बताएं, ये ग्लेशियर कैसे बनते हैं, ये कैसे नीचे आ जाते हैं? मुझे खुद नहीं पता। बाबा जी आप कितनी उम्र गुजर गई अभी तक आपको ये नहीं पता? ये जो एवलॉन्च करते हैं ये वो है क्या हैं? क्या बाबा जी आप चपेड़ पड़े, बता बता के बाबा जी आपको समझ नहीं आती है। ये हम जी बड़वाई आ गए हैं, इससे पहले हम बटाकुंडी थे, बड़वाई बाजार से गुजर रहे हैं। नारान से तकरीबन 20 किलोमीटर की ड्राइव है और आधा घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। ये क्या है? ये सलार सही टांग है, सीट बेल्ट जी। टांग सीट बेल्ट है तेरी सलार की? सेठ सलार सैली वेद चादर करने की मशीन और मोहम्मद मस्कीन। हैं, तू तो मेरे साथ बैठा हुआ था, यहाँ कैसे आ गया? ये बहुत ही खूबसूरत स्नो पीक और ये खूबसूरत पानी पूरा रास्ता साथ साथ होता है। और ये जो जगह है, थोड़ा सा ही बड़वाई से बाहर निकल के बहुत ही जबरदस्त लेक सी बन जाती है, बिल्कुल ख्वाबों की दुनिया लगती है। बेस्ट जगह है कैंपिंग के लिए, क्योंकि साथ पानी भी अवेलेबल है, आपने बर्तन धोने हैं, नहाना है, मुंह हाथ धोना है, तो बेस्ट जगह है। मैं जिंदगी में जब भी यहाँ आया हूँ हमेशा ये सोचता हूँ कि यहाँ कैंपिंग करूँगा। तारों के बीच है, कहाँ गया मैं कहानियों।
मैं घूमता ये रास्ता जब सा मंजिल है ये सपना ओ, 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 ओ ये सफर इयास के साथ कहाँ गया मैं पर्वत के पास घंटा लगेगा नीचे वैसे दूर से आसान लगता है कहाँ पे तो फिर उंजा तो नहीं पहुँचेंगे हम आइलैंड में चले गए तो एक मिनट में कम अज कम 1 आवर लगेगा वहाँ पहुँचने में और वो भी हम क्रॉस नहीं कर सकेंगे यहाँ से स्विमिंग कर सकते हैं बहुत ठंडा पानी होगा अगर इसको आगे चलेंगे ना ओए आगे नहीं जाना तू कह रहा हुंजा भी जाना है इधर भी सारी जगह पे जाना है फैसल मलूक में भी जाना है तुमने तू बड़ा हो गया मेरे लिए इकट्ठा करेगा ना फिर हम घूमने जाएंगे बल्कि इधर ही रह जाएंगे मुझे बुला रहा है खुदा दियादरी नगमे और दिल की कहानी हो साथ मेरे ये पल मस्तानी ये रास्ता जब सा मंजिल है ये सपना ओ, 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 ओ। सुबह बहुत कम नाश्ता किया बस एक दोनों वाले खाली बत के पास पूरा रास्ता ऐसे साथ साथ पानी चलता रहता है और यहाँ पे कई लोग ट्राउट भी पकड़ रहे होते हैं आसमां के नीचे तारों के बीच कहाँ गया मैं कहानियों में घूमता ये रास्ता जब सा मंजिल है ये सपना ओ, 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 ओ ये सफर इयास के साथ कहाँ गया मैं पर्वत के पास क्या मुझे बुला रहा है खुदा दियादरी नगमे और दिल की कहानी हो साथ मेरे ये पल मस्तानी ये रास्ता जब सा मंजिल है देखो इनकी दुकानें और घर पत्थर के बने हुए हैं अरे बनाए भी थे मुश्किल से हाँ ये मिल के खुद ही बनाते हैं बस एक दिन में मुश्किल से पहुंच जाएंगे लेकिन सारी चीजें होनी चाहिए ना पास आपके एक दिन में पहुंच जाएंगे
सारे शूज वैसे होने चाहिए बर्फ में चलने वाले। वाह मेरे ख्याल में ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। सर्विस स्टेशन आ गए हम, अभी गाड़ी सर्विस होगी बड़ी अच्छी जगह पे। आसमां के नीचे तारों के बीच कहां आ गया मैं कहानियों में घूमता, ये रास्ता जब सा मंजिल है ये सपना, ओ, 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 ओ ये सफर इयाज के साथ कहां पास। चांदनी रात में सितारों की बात, क्या मुझे बुला रहा है खुदा द्यादरी नगमे और दिल। ये चश्मों से और ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद ये पानी इस तरह से नीचे आता है और दोपहर की धूप से ये पानी ज़्यादा होता जाता है और शाम रात तक ये पानी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ये जी ग्लेशियर आ गया और ये फ्रिज आ गया ग्लेशियर में, कुदरती फ्रिज। ये हम बहुत बड़े ग्लेशियर में ऐसे गुजर रहे हैं। तुझे चिप्स की फिक्र पड़ी हुई है, बिल्ली के ख्वाब छिछड़े।